प्रणाम, आम टीएनटी स्किल सेंटर अष्टम श्रेणी छात्री। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहर प्रथम कविता वृक्ष महात्म्य को गान करू। एही कविता रे कवि होती जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि मिली से पंचदश शताब्दी शेषार्ध और षोडश शताब्दी प्रथमार्धे जन्मग्रहण करते। एही कविताटी श्रीमद ओडिया भागवतर दशम स्कंद गोपलीला अंतर्गत त्रयोविंश अध्यायर अणा जाइछि। एही कविता रे कवि कृष्ण मुखरे वृक्षर महात्म्य कथा वर्णना करिछन्ति। हेमन्ते कृष्ण आज्ञा पाई कन्याए गले तोष होई गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घरे जाई गोपाल मेले दामोदर गाई चराई गले दूर निदागर भी तेज लागी कोए होइले दुख भागी चरांती गोरु गोप मेले शीतल छाया वृक्ष तले वृक्ष को चाही दामोदर बोलती गोपंक आगर हे स्तोक कृष्ण मित मोर श्रीदाम अर्जुन सुबल अंशु विशाल देव प्रस्त देख ए वृक्षक महत्व परे करती उपकार सुजन प्राणी व्यवहार शीत बरसा घर्म दुख सही आंभ को दियंति सुख धन्य जीवन एहांकर जीविका होती प्राणीकर सुजन घरे जेने जाई अतिथि निराश नई पत्र को सम फल छाई मूल बकल दारु दे खार अंगार भस्म अठा गृह को साजी बाड़ कंटा एते प्रकारे सेवा करी नित्य ए पर उपकारी एहांक प्राय जेबे होई संसार मदे देह बही मन वचन धन करी जेह पर उपकारी दिन हरती दुख सुखे से धन्य एह पर लोके पुष्प पल्लव फल तले तरुर लम्ब डाल तले गोरु गोपाल घेनी संगे मिलिले जमुनार लागे शीतल जल पान करी वृक्षर तले नर हरी कृष्ण को देखी गोप बाले कहती क्षुदर बिकले से राम कृष्णर अग्रत नमई दास जगन्नाथ।